चीख ड्रामे की आज की किस्त में नायाब का बाप रमज़ान अहमद पुलिस के पास जाता है ताकि वो नायाब के कातिल को पकड़ सके, मगर पुलिस ऑफिसर नायाब के बाप को डरा धमका कर पुलिस स्टेशन से निकाल देता है। दरअसल पुलिस ऑफिसर को वजीह ने अपने खिलाफ कार्रवाई ना करने के लिए रिश्वत दे रखी थी। रमज़ान अहमद घर जाता है तो बीवी उसे दोबारा कहती है कि तुम वजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करो बल्कि वजी से नायाब के कत्ल के बदले में पैसे ले लो, लेकिन रमज़ान अहमद ऐसा कुछ करने से इनकार कर देता है। वजी के भेजे हुए चंद गुंडे रमज़ान के घर में पत्थर फेंक कर भाग जाते हैं। उधर मन्नत के घर में हया के ससुराल वाले आते हैं, वो मन्नत के घर वालों से नायाब की मौत की वजह पूछते हैं। यावर बड़ी चालाकी से नायाब की मौत को खुदकुशी का रंग देता है और हया के ससुराल वालों को कहता है कि नायाब ने किसी लड़के की वजह से खुदकुशी की है। उधर वजी मन्नत को तंग करता है, मन्नत अपने हस्बैंड शायान को कॉल करके बताती है कि वजी उसे परेशान करता है। शायान मन्नत को अमेरिका बुला लेता है, मन्नत अमेरिका जाने की तैयारियां करने लग जाती है। वजी यावर को बताता है कि उसने मन्नत को बता दिया है कि नायाब को उसने कत्ल किया है। ये सुनकर यावर वजी पर गुस्सा करता है। रमज़ान अहमद मन्नत के घर आता है लेकिन यावर रमज़ान अहमद की अपने मुलाजमों से पिटाई करवा कर उसे घर से निकाल देता है और पुलिस ऑफिसर को घर बुलाकर उसे कहता है कि रमज़ान अहमद का मुंह बंद करवा दो। अब क्या पुलिस ऑफिसर रमज़ान अहमद को कत्ल करवा देगा? क्या मन्नत अमेरिका चली जाएगी? ये सब देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।